हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं हूं आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन यादव और आज की इस वीडियो में तहे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, देखिए 2022 में मैं एक वीडियो बनाया था गाना लिखने का रामबाण तरीका और वो वीडियो देखते ही देखते 60,000 व्यू प्लस हो चुका है, वो लाख व्यू से ज्यादा जाएगा, 1,00,000 से ज्यादा व्यू उस पर आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल 60,000 व्यू है 8 महीने के अंदर में, ठीक है। तो चलिए कुछ उसी से मिलता जुलता, उससे भी ज्यादा अच्छा 2023 में आप सभी के लिए मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। मैंने बहुत ही अच्छे चीजें लिखे हैं, गाना लिखने का रामबाण तरीका 2023 में गाना लिखने की शुरुआत कैसे करें। यदि आप एक नए राइटर हैं और आप चाहते हैं कि गाना लिख कर कहीं ना कहीं उसको बेचे, 2 रुपया आपको मिले, तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। इस 2023 के साल में आपको हर एक सप्ताह में एक वीडियो मिलेगी, एक एक अध्याय आपको मिलेगा, इसको आप बोल सकते हैं भाग 1, गाना लिखने का रामबाण तरीका भाग 1 आपको हम बता रहे हैं, भाग 1 है ये, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ जानकारी देंगे, बेसिक सी जानकारी, और इसके बाद में जो वीडियो लेके आएंगे उसमें और भी ज्यादा खास जानकारी देंगे। ये आपको सिंपल सी जानकारी है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा काम की है आपके लिए, तो इस वीडियो को बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं हूं आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन यादव और यदि आप हमारे चैनल पर पहुंच गए हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट नंबर टॉपिक है, यहाँ से मैं देख के बोलूंगा कॉपी में जो मैंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, दिल, 1 नंबर में है हमारा दिल, और इस पे मैंने लिखा है किसी भी काम की शुरुआत दिल से करें तभी सफलता मिलेगी। यदि आपने किसी काम का शुरुआत किया, आपने 2023 में मन बना लिया कि नहीं मुझे राइटर बनना है, आपने शुरुआत किया, लेकिन यदि आप दिल से नहीं जब तक उस चीज को एक्सेप्ट करोगे ना, तब तक वैसी भावनाएं आपके मन में नहीं आ सकती है, दिल में नहीं आ सकती है। तो इसलिए किसी भी काम की शुरुआत कीजिए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, दिल से जाइए, लगन होनी चाहिए अंदर। 2 नंबर है दिमाग। आप सोच रहे हैं कि भाई क्या फालतू की चीजें बता रहा, लेकिन नहीं सुनिए, बहुत काम की चीजें बता रहा हूं, अभी सुनते जाइए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, वरना अगर मिस कर दिए तो आप कभी राइटर नहीं बन सकते हो, इसलिए पूरा देखिएगा। 2 नंबर है दिमाग। दिमाग को गलत चीजों से दूर रखें, दिमाग को जो है ना गलत चीजों से इसको दूर रखना है, वरना आपको सॉन्ग लिखने में घुटन महसूस होगी। जब भी आप किसी काम में दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके कीजिएगा ना, तो बेहतर होता है, बेहतर नहीं बेहतर से भी बेहतरीन होता है। आपको इस चीज का हमेशा ध्यान देना है कि दिल तो लगाना ही है और प्लस अपने दिमाग को भी उसी में केंद्रित करना है, ठीक है। 3 चीज है कंट्रोल। मन को कंट्रोल में रखने के लिए पूरी कोशिश करें ताकि मन न भटके। कई सारा लोग होता है कि सॉन्ग राइटिंग करता है, सॉन्ग राइटिंग करते करते उनके फोन में क्या होता है कि मैसेज आ जाता है, मैसेज पढ़ने जाएंगे, सोचते कि चलो 1 मिनट में मैसेज पढ़ लेते हैं फिर आके गाना लिखेंगे। अब 1 मिनट के जगह पे गया तो वहां पे दूसरा कुछ करते करते 1 घंटा निकल गया, सॉन्ग नहीं लिख पाए, तो मन भटक गया। तो ये चीज आपको बेसिक चीजें जो है इसको ध्यान में रखना है कि मन को नहीं भटकाना है, मन को थोड़ा सा शांत रखना है, समझा के रखना है कि नहीं अभी इस काम को मैं कर रहा हूँ, इसको कर लूंगा, उसके बाद में वो करूंगा। कंट्रोल, यहाँ पे मैंने बताया कि मन को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। इच्छा 4 नंबर टॉपिक है इच्छा। इच्छा जाहिर करने से कोई चीज नहीं मिलती, इसलिए मेहनत और खुद के हौसले पर यकीन रखें। कई सारे लोगों का इच्छा होता है कि मैं एक बहुत बड़ा राइटर बनूं, इच्छा तो आपके दिल में आ गया, 5 दिन 10 दिन 7 दिन 1 महीना लोग मेहनत करेंगे, अगर कुछ नहीं मिला तो फिर छोड़ देंगे। भाई हमने जब शुरुआत किया था ना 2016 में 14 जनवरी से शुरुआत किया था, 2016 में 14 जनवरी से शुरुआत किया था, जब खिचड़ी का मकर संक्रांति का दिन होता है उस दिन से, 2016 में 14 जनवरी को, और आज है 2023 स्टार्ट हो चुका है, जनवरी का मंथ चल रहा है, यानी लगभग 6-6.5 साल हो गया, और 6.5 साल में मैं 5 साल फ्री में लोगों को गाना दिया हूँ, 1 भी रुपया नहीं लिया हूँ 5 सालों तक, जितना भी गाना किसी को भी दिया हूँ मैं फ्री में दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो 1-1.5 साल से आप मेरी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो इसी से मैं इनकम करता हूँ। तो अगर मैं उन पाँच सालों में अगर ये चीज़ें करना बंद कर दिया होता तो आज इस मुकाम पे नहीं होता, आज जो 70,000-80,000 लाख रुपए के आसपास जो इनकम होता है वो नहीं होता, ठीक है। तो एक चीज़ आपको इसी से जुड़ा हुआ चीज़ें मैं बता देता हूँ, कुछ लोग को थोड़ा अजीब भी लगेगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी दिल में मेरे होता है वो मैं खुल के बोल देता हूँ। चलिए इसमें खुल के बोल देते हैं, गाना लिखने से पहले दोस्त मैं कई जगहों पर काम कर लिया हूँ, जैसे कि मैं जो पहला काम था, पहला काम मैं गुजरात में एक जगह है सूरत, और सूरत में हीरा का काम होता है, और हीरा का काम करने के लिए मैं सूरत में गया था 7,500 की सैलरी पर, कितना 7,500 की सैलरी पर, खाना पीना उस कंपनी का था और वो मुझे 7,500 की मंथली देता था। मैंने वहाँ पे कुछ दिनों तक तो काम किया, काम करते करते कुछ नियम चेंज हुआ वहाँ का, नियम चेंज ये हुआ कि जो हीरा था पहले हम लोग फिक्स पे थे, फिक्स मतलब 7,500 हम लोग को महीना में देगा खिला पिला के, रहने का वहीं देता था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पीस रेट पे कर दिया, पीस यानी कि अगर आप एक हीरा को तराशोगे ना, बनाओगे ना, तो आपको 1 रुपया 80 पैसा मिलेगा। तो इस हिसाब से हम महीने के 25,000 से 30,000 कमाने लगे वहाँ पे, ठीक है।
ज्यादा हीरा बनाते थे, ज्यादा मशीन चलाते थे, कंप्यूटर से बनाना होता है, उसमें शरीर से मेहनत नहीं होता, कंप्यूटर से बनाना होता है, कंप्यूटर रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे बनाने लगा, 25 से 30 होने लगा। ऐसे ही करते करते एक बार क्या हुआ कि मेरा जो वहाँ का मैनेजर था, सुप्रोजेक्ट था, उससे बकझक हो गया, और बकझक होने के बाद उन्होंने मुझे वहाँ से काम से निकाल दिया। तो हम वहाँ से घर चले आए, ठीक है ना। तो घर के लोग भी डांटे बोले थोड़ा सब। तो फिर उसके बाद में मेरे पापा भी वहीं पर रहते थे, तो एक क्या बोलते हैं एसी का काम होता है, तो एसी के काम में हमको लगा दिया कि जाओ एसी का काम सीखो, एसी का 15 मिनट में आदमी 1500 रुपये कमा लेता है। तो ये थोड़ा सा मन में था कि अगर इसमें मैं काम सीख लूँगा तो ज़्यादा पैसे इसमें कमाऊंगा, और कोई भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। वहाँ पे गए, वहाँ पे 2-3 महीना काम किया, तो जो मालिक था साला शराबी था, ठीक है ना, दिन भर शराब पिए रहता था, कुछ भी उठपटांग बोलते रहता था, अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ से भी हम छोड़ दिए। उसके बाद में वहाँ पे भी कुछ पैसा वैसा नहीं मिला, 2 महीना ऐसे किए सीखने के लिए, सीखने पीरियड में वो कुछ नहीं दिया, वही 2-4 हज़ार रुपया जेब खर्च जो दे दिया तो दे दिया, ठीक है। फिर से हीरे के काम में गए, और हीरे के काम में फिर से किए, और उसके बाद में 10 दिन 12 दिन किए, तो फिर से मुझे वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि मेरा एक आदत है कि मैं अगर कोई भी गलत चीज़ें देखता हूँ तो उस पर आवाज़ उठाता हूँ, और आवाज़ उठाना उन लोग को पसंद नहीं था, तो वो मुझे वहाँ से निकाल दिया, ठीक है ना। वहाँ का नियम भी बहुत हार्ड था। उसके बाद में मैं आया, तो एक मेरा दोस्त है गोविंद नाम है उनका, गोविंद गुप्ता, तो उनके साथ मैं, वो बोले कि चलो ना घूमेंगे भी फिरेंगे मौज मस्ती करेंगे, और साथ साथ तुम गाना भी लिखते रहना, 8 घंटा ड्यूटी करना, गाना भी लिखना। तो वेल्डिंग का जो काम होता है उसमें मुझे लेके गए, तो उसमें हेल्पिंग वेल्पिंग का जो काम होता है हेल्पर टाइप का, उसमें भी मैंने लोहा हुआ ढोया उनके साथ उठा था, बहुत मज़ा भी आता था। तो उसके बाद वे मुझे कितना, 1 दिन का 400 रुपये मिलने लगा, तो महीना का 12,000, 8 घंटा ड्यूटी करना था, और 8 घंटे के बाद 16 घंटा टाइम मेरे पास बचता था, उसी में मैं गाना लिखता था। जब मैं हीरा के कंपनी में काम करता था तब भी मैं गाना लिखता था, रात को सब लोग खा पी के सो जाते थे, लेकिन मैं लिखना बंद नहीं किया। जब मैं एसी के काम में गया तब भी मैं गाना लिखना बंद नहीं किया। जब मैं वेल्डिंग लाइन में गया अपने दोस्त के साथ, वहाँ भी गाना लिखना बंद नहीं किया। उसके बाद मैं दिल्ली में भी काम किया हूँ, सिक्योरिटी गार्ड का जो काम होता है, एक मेरे दूर के रिलेशन के मामा लगते हैं, उन्होंने बोला कि आओ सुपरवाइजर में लगा देंगे, और धोखे से उन्होंने मुझे सिक्योरिटी गार्ड में वहाँ पे काम थमा दिया 11,000 के मंथली पे। बहुत हार्ड काम था सिक्योरिटी गार्ड का काम, जिसने किया होगा उसको जानकारी होगा। तो फिर वो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, तो 3-4 महीने में मैं वहाँ से छोड़ दिया, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर भी मैं रात में टाइम निकाल के गाना लिखना बंद नहीं किया, टाइम निकाल के लिखता ही रहा। तो कहीं ना कहीं मैंने उस चीज़ों को फोकस किया, यानी कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला गया लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ा कि मेरा मेन लक्ष्य क्या है। तो यदि आप भी अगर अपना लक्ष्य बनाते हो और उस लक्ष्य को निर्धारित करके केंद्रित करके काम करते हो ना, सफलता जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है। तो जो मैंने ये बताया अपने से जुड़ी हुई चीज़ें, कई सारे लोग सुन के थोड़ा सा दंग भी रह गए होंगे, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो सच था बोलना चाहिए, और सच बोलने की हिम्मत सबके अंदर नहीं होती। मैं झूठ मूठ कर नहीं बोल दूंगा कि नहीं मेरा करोड़ों का बंगला है, इतना का ये है, ऐसा नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना। जो होता है हकीकत वो बोलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप जो भी बनना चाहते हैं रात को सोते वक्त और सुबह को जगते वक्त उस चीज़ को हमेशा याद रखिए। रात को सोते वक्त और सुबह को जगते वक्त उस चीज़ को हमेशा याद रखिए। इससे क्या होगा ना कि अगर आपको राइटर बनना है, आपने सोच लिया सोए हमको राइटर बनना है, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, वो ऐसे करता है, ऐसे करता है, इस चीज़ को सोचना है, फिर सुबह में जगना है तो फिर सोचना है, क्योंकि इससे आपकी स्मरण शक्ति पे असर पड़ेगा, जो दिमाग है इस पे लोड पड़ेगा कि नहीं मुझे राइटर बनना है, मुझे राइटर बनना है, मैं राइटर बनना चाहता हूँ। जो भी चीज़ है सुबह को और शाम को, दोपहर को, रात को, जब भी आप सो जगो उठो जो भी करते रहो, बस इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है ना। जैसे लोग भगवान की भक्ति में लीन होता है, भगवान एक ना एक दिन उसे मिल ही जाते हैं, उसी तरीके से आप राइटर की भक्ति में लीन हो जाओ, राइटर वाली जो भावना है आपके मन में एक ना एक दिन विकसित हो जाएगी। या इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी निगाहें जहाँ ज़्यादा पड़ती है, अब जैसे कि मान लेते हैं कि आपका दीवार है, इस पे आपका सोते जगते उठते बैठते आपका निगाह पड़ता है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ, या मैं बहुत बड़ा राइटर बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी निगाहें जहाँ ज़्यादा पड़ती है उस जगह पर अपना नाम के आगे राइटर लगाकर फिर अपना नाम लिखे। जैसे कि आपका नाम है रोहित, राइटर रोहित आपने लिख दिया, आपका नाम है गोविंद, तो राइटर गोविंद आपने यहाँ पे लिख दिया, और उस चीज़ को आप देख रहे हो राइटर गोविंद, तो आप देखो कि उस चीज़ को, तो आपके दिल में वो चीज़, मन में वो चीज़ चलती रहेगी कि भाई मैं राइटर बनना चाहता हूँ, तो वो आपके अंदर वैसी भावना आएगी। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, नाम लिख दे ताकि उस स्थान पर जब भी आपकी निगाहें पड़े तो आपको एहसास हो कि आप एक राइटर हो। लिखने से क्या है, लिखोगे तो उससे आपको एक एहसास होगा कि आप एक राइटर हो, और वैसी भावनाएं आपके अंदर आनी शुरू हो जाए, वैसी ही ऊर्जा आपके अंदर आएगी। तो यहाँ पे लिखा है ताकि उस स्थान पर जब भी आपकी निगाहें पड़े तो आपको एहसास हो कि आप एक राइटर हो, इससे फायदा बहुत होगा, आपका दिमाग धीरे धीरे आपको राइटर समझने लगेगा। ये जो दिमाग है ना, इसको जिस सर्किल में आप लेके जाओगे ना, उस सर्किल में जाने के लिए तैयार रहता है, इससे बड़ा गुलाम आपको कोई नहीं मिलेगा, जो बोलोगे वो करेगा। ये हाथ उठ रहा है तो इसी के इशारे से, ये आँख जो देख रही है इसी के इशारे से, ये मुँह जो बोल रहा है ये जो चाहता है वही बोल रहा है। इस दिमाग को आप जो चीज़ यहाँ पे फिट कर दोगे ना फिर वो करेगा। तो यहाँ पे आपको फिट कर देना है कि आप बहुत ही अच्छे राइटर हो, और उस तरह से आपके मन में भावनाएं संचालित होना शुरू हो जाएगी। तो यहीं पे यहाँ पे चीज़ लिखा हुआ है कि इससे फायदा बहुत होगा, आपका दिमाग धीरे धीरे आपको राइटर समझने लगेगा। जब दिमाग आपको राइटर एक्सेप्ट कर लेगा और आपके अंदर राइटर जैसा कॉन्फिडेंस और भावनाएं जागने लगेंगी,
जो आप नाम यहाँ पे लिख दोगे और नाम को बार बार देखोगे राइटर गुड्डू गोल्डन, राइटर गुड्डू गोल्डन, राइटर गुड्डू गोल्डन। मैंने भी ऐसा ही किया था। मेरे बाइक पर 2016 में मेरे पास बाइक था और उस बाइक के नंबर प्लेट जो पीछे होता उस पर मैं राइटर गुड्डू गोल्डन लिखवा दिया। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे कि ये गुड्डू गोल्डन कौन है, हम बोलते थे कि हम हैं, तो आप गाना लिखते हैं, तो हाँ लिखते हैं, तो कोई गाना बताइए जो आपका गाना बजा हो, चला हो। तो बहुत शर्मिंदगी फील होती थी क्योंकि वो शुरुआत दौर था और उस समय मैंने कोई गाने वाने वैसे नहीं लिखे थे कि जो चला हो, तो बहुत ही अंदर से दुख होता था, मतलब पीड़ा होता था। लेकिन मैंने लोगों को उस सारी चीज़ों को सुन लिया क्योंकि पत्थर तभी मूर्ति बन सकता है, भगवान बन सकता है, जब हथौड़ी की चोट सह लेगा। तो मैंने उस चोट को सहा, ठीक है ना, बेशक उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो आपको भी लोग ताना बाना मारेगा तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इस चीज़ को साइड करके चलना है। तो लोग मुझे बाइक पे जब मैं नाम लिखवा लिया था चलता था, लोग पूछते थे, गलत गलत कमेंट्स करते थे, ये राइटर है, इसको तो लिखने उखने आता होता नहीं है, झूठ मूठ का लिखवा लिया हमारा है, ये फलाना है ठिकाना है, ठीक है ना। तो मैं उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन लिखवाने का मेन रीज़न मेरा क्या था, इस बाइक को जब भी मैं देखता था तो उस पर मेरी निगाह पड़ती थी नंबर प्लेट पर, या अगर कोई पूछेगा तो वैसे मेरी मन में, अगर मेरे मन को ठेस पहुंचेगा तो भावना जागृत होगी, इसलिए मैं लिखवा दिया था वहाँ पे। और आज देखो सच में राइटर वाली भावना मेरे अंदर आ गई, आपको मैं यहाँ पे बैठ के भाषण दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसी चीज़ का देन है। तो आपको भी ऐसे जगह पे लिखना है जहाँ पे आपकी निगाहें हमेशा पड़ती है, और यदि आप उस चीज़ को बार बार देखोगे ना तो ये दिमाग जो है ना उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेगा अपने मस्तिष्क में कि नहीं आप राइटर हो। और जब ये राइटर जब मान लेगा दिमाग आपको, तो दुनिया को भी आपको राइटर मानना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज़ें होती है ना, खुद को यकीन दिलाना, खुद को यकीन दिलाना सबसे बड़ी चीज़ होती है, खुद को भरोसा दिलाना। यदि आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो दुनिया पे भरोसा कैसे करेगी। तो सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा करना सीखना होगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर राइटर वाली क्षमता आएगी और मैं राइटर बन के रहूँगा, तो पक्का आप राइटर बनोगे, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस होनी चाहिए आपके अंदर। तो चलिए आगे का चीज़ बताता हूँ। इसमें मैं बताया था आपको, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी निगाह जहाँ ज़्यादा पड़ती है उस जगह पर अपने नाम के आगे राइटर लगाकर फिर अपना नाम लिख दें, ताकि उस स्थान पर जब भी आपकी निगाहें पड़े तो आपको एहसास हो कि आप एक राइटर हो। इससे फायदा बहुत होगा, आपका दिमाग धीरे धीरे आपको राइटर समझने लगेगा और आपके अंदर राइटर जैसा कॉन्फिडेंस और भावनाएं संचालित होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके आगे सुन लीजिए, आप अपने दिमाग को यह यकीन दिलाएं कि आप दुनिया के सबसे अच्छे राइटर हो। सुबह जब भी उठिए निगेटिव नहीं सोचना। अगर दिमाग को आप यकीन दिलाओगे नहीं ये तो मेरे से नहीं होगा, तो फिर दिमाग तो वहीं सोचता रहेगा, तो जब दिमाग वैसा सोच लेगा तो फिर करेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए दिमाग को हमेशा सकारात्मक सही चीज़ों को इसको समझाइए। जैसे कि इसको क्या बताना है, आप अपने दिमाग को यह यकीन दिलाए, भरोसा दिलाइए कि आप दुनिया के सबसे अच्छे राइटर हैं। और खास कर ये काम सुबह में कीजिएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि सुबह में आपका जो एनर्जी होता है ना बचा हुआ रहता है, जो ऊर्जा होता है बचा हुआ रहता है, और जब आप इसको समझाइएगा ना तो ये बात आपका समझेगा जरूर, ठीक है ना। आप अपने दिमाग को यह यकीन दिलाए कि आप दुनिया के सबसे अच्छे राइटर हो, इससे आपके अंदर का डर खत्म होगा, आपके अंदर का जो डर होगा कॉन्फिडेंस जो होगा जागेगा और डर जो होगा खत्म होगा, और आपके अंदर एक राइटर जन्म आप और आपके अंदर एक राइटर का जन्म होगा। ये सबसे मेन पॉइंट है कि अगर आप अपने दिमाग को यकीन दिलाने में, भरोसा दिलाने में कामयाब हो गए कि आप एक राइटर है ना, तो आपके अंदर राइटर वाली भावना है 110% आएगी ही आएगी, पूरे दवा के साथ कहता हूँ, लिख के ले लो। और जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये कोई किताब में लिखी हुई बातें नहीं है, ये मेरे पूरे दिल की बात है, मैं अपने मन से बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है। तो आप अपने दिमाग को यह यकीन दिलाएं कि आप दुनिया के सबसे अच्छे राइटर हो, इससे आपके अंदर का डर खत्म होगा और कॉन्फिडेंस जागृत होगा और आपके अंदर एक राइटर का जन्म होगा जो आगे चलकर बहुत बड़ा मशहूर राइटर बनेगा। और उसके बाद है, आप अब खुद को राइटर समझकर जो आपके साथ हुआ है मन ही मन कुछ लाइन गुनगुनाएं और बनाने का प्रयास करें। अब मन आंखें थोड़ी से बंद कर लीजिए, आपके साथ जो भी हुआ है राइटर वाली फीलिंग्स दिल में लाइए और कलम कॉपी पास रखिए और कुछ सोचिए, जो भी दो चार लाइन आपसे बनती है उसको लिखिए। ये आपका पहला पड़ाव था, पहली सीढ़ी ये आपकी थी। तो पहली सीढ़ी मैंने बता दी, इसको आप गाना लिखने का रामबाण तरीका पार्ट एक भाग एक कुछ भी लिख के सर्च कीजिएगा, आ जाएगा ये वीडियो। इसका पार्ट टू देखना चाहते हैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और जितनी भी वीडियो आएगी सब बहुत बड़ी बड़ी वीडियो आएगी, सप्ताह में एक वीडियो आएगी और बहुत बड़ी बड़ी वीडियो आएगी। और जिसको भी राइटर बनना है इस चीज़ को देखना पड़ेगा। और ये जो नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पैसे से खरीदने से नहीं मिलती है। और कोई अगर आपको कहता है कि 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपया लेकर राइटर बना दूंगा तो गलत बोलता है। जब तक आप खुद को इस चीज़ में नहीं अंदर ढकेलोगे ना, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुला करते हैं जो उसे खोलने के लिए खटखटाया करते हैं, ठीक है। तो बैठ के डींगे हाँकने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा आपको। और किस्मत से बड़ा होता है कर्म, इसलिए कर्म को हमेशा करते रहिए, किस्मत के भरोसे नहीं बैठिए, क्योंकि भगवान ने किस्मत की रेखा बनाने से पहले हमें उंगलियां दी है, यानी कि इसके ऊपर है, किस्मत की रेखा से ऊपर उंगलियां, यानी मेहनत, खुद के हाथों पर खुद पे भरोसा रखना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। मेहनत करने से दुनिया में आप किसी भी चीज़ को पा सकते हो, हासिल कर सकते हो, राइटर तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आपके जीवन के लिए ढेर 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 सारी शुभकामनाएं, माता रानी से कामना है कि आप लोग जल्द ही जो आपका पड़ाव है पहला पड़ाव इसको पार करें, ताकि हम आपको दूसरे पड़ाव की तरफ लेकर चले। 7 दिनों का टाइम है आपके पास, इस चीज़ को आप सीखिए, समझिए, इस वीडियो को बार बार देखिए,
डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, रिपीट करके देखिए, जहां भी समझ नहीं आता देखिए। और आपका जो भी कमेंट है, आपके मन में सवाल है, आप इसी कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ की इसका पार्ट टू देखना है ना, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और कमेंट में सबसे ऊपर पिन कर दूंगा, देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।